हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि डी मार्ट से मैंने क्या क्या खरीदा है वो आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए अभी तक मैंने अरेंज भी नहीं किया है कि अरेंज अगर मैं पहले कर दूंगी तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या आइटम खरीदे थे, क्योंकि जब मैं अरेंज करना शुरू करती हूँ उसके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर रख देती हूँ। तो इसलिए अभी मैं डेजिग्नेट करना उनको शुरू कर रही हूँ, क्या क्या आइटम है, ग्रॉसरी है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स है एंड कुछ तो याद भी नहीं किया है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो चलिए ऑर्गेनाइजिंग भी शुरू करते हैं और आपको अपना दिखा भी देती हूँ। और इस बार कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था अपने पिछले ब्लॉग में 10,000 की शॉपिंग हो गई है। एक्चुअली 20,000 की होने वाली थी, हम लोग कर्टेंस भी लेने वाले थे, कुछ कर्टेंस लेने वाले थे और चेकआउट करने वाले थे, तो वो जो हमने कर्टन सेलेक्ट किए थे वो स्टॉक में ही नहीं थे, उसके थोड़े बहुत ही पीसेस थे, तो फिर हमने थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने गलती से जो पिंक वाले ले लिए थे, मैंने बताया था जो वो मैंने ले लिए थे वहाँ पे तो अच्छे लगे, लेकिन घर में बिल्कुल इतने ज़्यादा सूट नहीं कर रहे थे। वैसे ही जुआ पक्का आता है जब भी मैं कर रही होती हूँ वीडियो शूट। तो चलिए अभी अरेंज भी करते हैं साथ में और आपको दिखाती भी हूँ। तो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और मैंने बाल खुले इसलिए रखे हैं क्योंकि आज मैंने जो है कि आज स्विमिंग नहीं है, इसलिए मैंने हेड वॉश किया था, बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। तो हेड वॉश करने के बाद जो है अच्छी तरह मास्क वास्क अच्छा लगाया था, तो मैंने बोला जैसे ही जूड़ा बनाते हैं तो फिर से वो स्ट्रेट नहीं रह के वो उसमें एक वो हो जाता है ना, कर्व सा आ जाता है, मैं वो थोड़ा शाम को बाहर बाहर भी जाएंगे शायद, तो इसलिए इसको खुला ही रखते हैं ताकि वो कर्व ना आए। एंड जो भी सामान मैंने लिया था देखो यहाँ पे सारा पड़ा है, एंड खाना जो बना दिया था वो वहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं मेरे जो इसके अंदर है उन सबको निकाल के नीचे रख लूँगी, एंड उसके बाद जो है सारा सामान नीचे डाल दूँगी और सेग्रीगेट करके अरेंज करना शुरू करूँगी। तो ये देखिए, ये है मेरे ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने ही बनाए थे, कितना जब से यूट्यूब शुरू किया था तब बनाए हैं और अभी तक चल रहे हैं, करीबन 1.5 साल होने को आ रहा है यूट्यूब शुरू करने के बाद, तो 2 साल के आसपास हो ही गया है एंड अभी भी सही सलामत है। लेकिन इसमें सारे आइटम्स अभी ख़त्म हो चुके हैं जो इन सब में से निकाल के मुझे भरने हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर चुकी है, मैंने पहले डब्बे यहाँ पे नीचे रख दिए एक एक करके, एंड बीच में डिस्टर्बेंस देखना बच्चों का कि क्या क्या करते हैं, तब जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है तब लगता है भैया अभी थोड़ी देर के लिए काम रोक दो, इनको पहले सेटल करो और उसके बाद अपना काम शुरू करो। तो कवर्स में तो इतना कम लग रहा था, ये नीचे डालते ही ढेर हो गया, तो थोड़ा सा कभी कभी जब काम ज़्यादा दिखने लग जाता है तब भी थोड़ा डर लगता है ना कि कब तक ख़त्म होगा। बट कोई भी काम करने से पहले लेट इट बी एनीथिंग, चाहे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या घर का काम कर रहे हो मेरी तरह हाउसवाइफ की तरह, तो एवरीवेयर यू नीड पैशन, यू नीड पेशेंस। पैशन एंड पेशेंस दोनों बहुत ज़रूरी है, अगर दोनों नहीं रहेंगे तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये सारा सामान है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स, एंड यहाँ पे ये सारे बास्केट्स हैं मेरे, एंड अभिषेक पूछे जा रहा है मुझसे कि ये क्या है वो क्या है, अभी वो बहुत एक्साइटेड हो गया है कि क्या करने वाली है मम्मी इन सब का। अब मैं इन सब चीज़ों की जो है ऑर्गेनाइजिंग करने वाली हूँ, एंड पॉलीथीन बैग्स जो है बंद हो चुके हैं, कपड़े के बैग्स आ रहे हैं, तो एक एक बैग जो था ये 16 रुपये का था, तो हम तो कोई कैरी बैग लेके नहीं गए थे क्योंकि जो पॉली बैग होगा वो दे देंगे इस चक्कर में, तो ये 4 बैग्स लिए थे हमने, तो अब अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सीट धारण कर चुकी हूँ ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, तो इट्स बेटर कि जो भी आप सामान लेके आते हैं उनको पहले कवर से निकाल दें, क्योंकि आप कवर में अगर सोचेंगे कि ढूंढ ढूंढ के हम एक एक बास्केट में रखेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, एंड बहुत क्या बोलते हैं, आपको भी लगेगा बाप रे अभी क्यों शुरू किया इस टाइप में। तो इसलिए अगर आप पूरा सामान पहले ही नीचे डाल देते हैं तो आपको मालूम है आपके सामने बास्केट से जो आपने सेग्रीगेट कर रखी है अलग अलग आइटम्स के लिए, तो डायरेक्टली आप उस बास्केट में रखते जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभिषेक बिना बताए हाय करे जा रहा है एंड शर्मा रहा है, सो बहुत तंग कर रहे थे मेरे को ये दोनों मिलके। तो अभी वीडियो जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो मुझे हंसी आ रही है, बट उस टाइम पे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैं जो बास्केट्स में रख रही थी वो फिर निकाल के बाजू में रख दे रहे थे उन चीज़ों को। सो ये देखिए, मैंने पूरे आइटम्स जो है उसके डेजिग्नेटेड बॉक्सेस में अरेंज कर दिए हैं, तो थोड़े बहुत जो ऊपर है जो बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा है थोड़ी दिन में ख़त्म हो जाएंगे वो यूज़ करने के बाद में, क्योंकि कुछ जो है डब्बे क्लीन करके उसमें डालने हैं इसलिए मैंने डाले नहीं हैं।
एंड ये सारे आइटम्स देखिए, ये ब्रश है बच्चों के और हमारे लिए ब्रशेस लिए हैं, उसके बाद एक विक्स जो डिफ़ॉल्ट रहता है तो दूसरा वाले में थोड़ा सा बचा है वो लिया है, एंड घर में सारे थ्रेड्स ख़त्म हो गए थे इसलिए फिर मैंने ये वाला लिया। ये देखिए इसमें सारे कलर्स अवेलेबल है, प्लस सुइयां भी इसके अंदर आई हुई है, सारे टाइप की नीडल्स भी है, एंड उसके बाद इसमें बहुत ही क्यूटली जो है एक स्पॉन्ज दिया है जहाँ पे आप जो है सुइयां घुसा के रख सकते हैं व्हेन एवर यू आर यूजिंग इट। एंड उसके बाद ये क्या है, ये बटन एंड पिन और ये सब दिया हुआ है, एंड बहुत ही क्यूट सी एक सीज़र है, देखो कितनी क्यूट है, एंड एक टेप भी दिया हुआ है, टेप है, और उसके अलावा ये रिंग किस लिए दी है मुझे समझ नहीं आया, किस चीज़ के लिए ये पता नहीं, और धागा कल ऑलरेडी हम एक यूज़ कर भी चुकी हूँ मैं, एंड सुई में धागा घुसाने वाला एक ही आइटम दिया हुआ है, तो अच्छा है। मेरे को सबके रेट याद नहीं है, अब आप ही सोचो कि इतना सारा आइटम है किस किस का ये रेट याद रहेगा, मैंने तो बस लेते गई, मैंने तो रेट भी नहीं देखा, जो ज़रूरत की आइटम है वो मैं लेते गई बस। ये मैंने इसलिए लिया ना कि काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें जो है हमारे घर में पहनने वाले कपड़े थोड़े बहुत फट जाते हैं, सुई तो थी घर में लेकिन धागे नहीं थे इसलिए मैंने ये ले लिया, सो दिस इज़ वन। एंड बच्चों के ये टूथब्रश लिए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे, इसको चिपका होना तो वो फ्लोर पे या टाइल्स पे चिपक जाते हैं आराम से। एंड ये बैटरी इसलिए रिमोट एसी की बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, मतलब जो एसी के रिमोट होते हैं टीवी के रिमोट होते हैं तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके बाद ये एक पेंसिल केस, क्योंकि आदित्य रोज़ एक पेंसिल घूम करता है और या तो उसको छोटी कर देता है एकदम, इतनी बड़ी दो तो इतनी आती है घर पे। एंड उसके बाद ये पेप्सोडेंट, एंड यहाँ पे नारियल तेल, जो उसके बाद बाथरूम क्लीनर्स, ये कम्फर्ट है, ये लाइजॉल है, देन वो क्या है ये रिवाइव है, एंड देन डेटॉल जो कपड़े धोते टाइम मैं डालती हूँ बच्चों के स्पेसिफिकली, उसके बाद इनका रेज़र, एंड ये अभिषेक का और आदित्य का बेबी शैम्पू है संतूर, एंड पाउडर्स, एंड ये फॉग के दो डिओड्रेंट्स लिए, ये वाला पहली बार लिया है मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले लिया था, एक कार में रखा है, इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है तो मैंने सोचा चलो एक यूज़ करते करके एक ये ले लिया, एक ब्लू कलर में ले लिया, अभी दोनों चिल्ला रहे झगड़ा कर रहे हैं। एंड ये सारे तो कुछ ये वाले आइटम्स थे, उसके अलावा सारी ग्रॉसरी है जैसे बर्तन धोने के साबुन, सर्फ, ये सारे आइटम, एंड इसमें जो है किचन के आइटम्स है जैसे ये माइक्रोफाइबर वो हो गया, ये स्टील पीस हो गया, ये स्क्रबर्स हो गए, वो सब इसके अंदर है। एंड ये बच्चों का बास्केट है, इसमें बिस्किट्स, वैफीस, मैगी, नूर सूप्स वो सारे इसके अंदर रखे, एंड ये पूरे अपने दाल्स एंड ऑल दोज आइटम्स आर देयर। तो चाय पत्ती थ्री रोज इसी पसंद आती है हमको, बाकी कुछ थ्री रोज का ये फ़ायदा ना, आप इतनी सी पत्ती डालोगे तो आपकी चाय बन जाती है और छानते टाइम पे भी कचरा नहीं आता है, बाकी कोई आप चाय पत्ती यूज़ करोगे तो इतना सारा कचरा आता है फिर निकलती है जो उसमें से असली चाय, तो हमें तो यही पसंद आती है तो हम हमेशा यही लेते हैं। एंड आपको आइटम्स दिख ही रहे हैं इसके ऊपर क्या क्या है, सेमिया है, दाल है, उसके बाद रेड चिली पाउडर है, तूर दाल है, ये तड़के के लिए मिर्ची वो सब है, एंड उसके अलावा ये है सनफ्लावर ऑयल, तो ये डीमार्ट का स्पेसिफिक सनफ्लावर ऑयल आया था तो मैंने बोला चलो यूज़ करके देखते हैं, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ऑयल वो, और ये इसका रेट सेम ही है। एंड ये ओट्स का एक पैकेट, कभी कभी आपातकाल में जब हम ब्रेकफास्ट ना बना पाएँ तब भी खा सकते हैं, एंड हेल्थ वाइज भी खा सकते हैं, मैं तो रोज़ खा सकती हूँ उसको लेकिन मेरे हस्बैंड खा ही नहीं पाते, मैंने जब ले रही थी तब मैं बोली थी ले लूँ क्या, तो मेरे बोलते ले तो लो लेकिन फिर मेरे को रोज़ मत देना ये करके बोल रहे थे वो। एंड उस वाले डब्बे में वो जो ग्रीन वाला है उसमें मैं आटे के पैकेट्स रखती हूँ, आशीर्वाद का आटा है उसमें, तीन पैकेट्स है, एंड इसके अंदर नमक लिया है वो भी आशीर्वाद का है पहली बार, हमेशा टाटा लेती हूँ लेकिन डीमार्ट में टाटा ख़त्म हो चुका था, एंड वो टिश्यू पेपर में दिखाई चुकी हूँ। उसके अलावा मैमी पोको पैंट्स है, एंड कुछ पिल्लो कवर्स लिए हैं मैंने, कौन कौन से वो अभी आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, पहले इन सबको अलमारी के अंदर रख देती हूँ तब लगेगा भैया थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया करके। एंड हैंगर्स लिए हैं, बास्केट लिए हैं, जो बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से लिए हैं मैंने, और ये हैंगर भी लिया था मैंने साथ में, एक ही लिया है पहली बार ऐसा वाला, अब मैं सोच रही हूँ थोड़े और ले लूँ। फैन चल रहा है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं, एंड जो आइटम्स मैंने ऊपर रखे हैं वो डब्बों में डालने हैं जो एक्चुअली ख़त्म हो गए, तो डब्बे जो जो खाली हैं उनमें से जो आपको भरा हुआ दिख रहा है बहुत कुछ खाली हो जाएगा, तो डब्बे जो मैंने बनाए हैं वो भी सफिशिएंट हो जाते हैं, तो चलो रखते हैं अभी।
तो पहले मैंने सोचा था कि दाले वाले बाद में डालेंगे, लास्ट में पहले बास्केट में ही रख देते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों लेट करना, इस बेटर कि मैं ऑर्गेनाइज कर ही देती हूँ। तो हम जब काम सफाई अभियान शुरू करते सोचते कुछ और बर्ड वो थोड़ा और जाता है, क्योंकि मैं ओनली ऑर्गेनाइजिंग के लिए उतरी थी फील्ड में, लेकिन उसके बाद मैंने बाकी शेल्फ भी सारी अरेंज कर दी और जो भी सारी दालें थी वो सारी डाल दी हैं। तो ये इडली वाली दाल है, डोसा भी डाल सकते हैं, उड़द वाली दाल एंड उसके अलावा जो भी चीनी का डब्बा, ये तूर दाल है, तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया एंड सबको मैंने साफ कर करके डाला कुछ तो। एंड ये कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी इस बार थोड़ा बड़ा पैकेट लेंगे, लेकिन कॉफ़ी स्टोर करने में बड़ा डर लगता है क्योंकि टाइट हो जाती है, हवा लगती है। अभी देखिए किचन की हालत कैसी होगी, क्योंकि मैंने जो शेल्फ्स है वो भी ठीक कर दिए हैं, बाकी शेल्फ्स भी। एंड ये साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अरेंज किया है पूरा। एंड ये जो अभियान है मैंने सुबह शुरू किया था एंड उसके बाद जो है कभी अभिषेक आता है, कभी आदित्य आता है, ऐसे ऐसे जो है मेरा काम पेंडिंग पढ़ते पढ़ते, कभी इस रूम में थोड़ा काम हो रहा है, कभी उस रूम में हो रहा है, फिर कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। तो अभी जो है रात, मतलब शाम के 7 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं क्लिप नहीं लगाऊंगी, खुले बाल रखूंगी। तो दिल के अरमास वो में बह गए, जल्दी से सफाई करते हैं, चलो। जब मैंने बाकी शेल्फ भी साफ़ करी, हम लोग बहुत बार ही ऐसा होता है कि फालतू चीज़ें भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। मिनिमलिस्ट होना ज़रूरी है सोचते हैं, मतलब अभी जब सफाई करते तब तो मिनिमलिस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि शायद वो चीज़ भी काम आ जाए, ये चीज़ भी काम आ जाए। तो ये देखो, ये केक का डब्बा है, वो भी मैंने स्टोर करके रखा था कि मैं इसका कुछ बनाऊंगी। मैं बोला चलो जान दो इसको, अभी ऐसे ही रखेंगे तो वो बनने से रहा, मुझे टाइम अभी मिलने वाला नहीं, कब मिलेगा कब पता नहीं। तो डब्बे तो आते रहेंगे, उनसे बना लूँगी करके मैंने वो भी फेंक दिया। एंड उसके अलावा जो वाटर बॉटल्स थी, सोडा की बॉटल थी कुछ, तो सोडा मैं कभी कभी इसलिए लेके आती हूँ, अगर आपके पेट में गैस वैस हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा नींबू उसमें नींबू एंड नमक डाल के सोडा डाल के पी लेंगे तो थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा। एंड ये सारा कचरा देखो निकला है, और यहाँ पे डस्टबिन के लिए मैं नया कवर लगा रही हूँ, तो ये थोड़ा छोटू सा कवर है इसलिए ऐसे लगा रही हूँ। अगर बड़ा कवर होता तो 4 हुक में आ जाता है, तो डिपेंड्स, आपके पास जैसा भी कवर हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी किचन की सफाई समाप्त हो चुकी है, नाउ आई एम गेटिंग अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव फील। तो सफाई सब ख़त्म, अब मैं दिखाती हूँ जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है, देख लो फिर ग्रॉसरी। एंड ये इसके ओट्स का एक पैकेट था बहुत बड़ा, इसलिए इसको ऐसी जगह थी इसमें रख दिया। एंड बच्चों का बास्केट है, एंड इस वाले बास्केट में ओनली स्क्रबर्स है, किचन के जो भी स्टील स्क्रबर्स हैं वो सारे हैं। एंड ऊपर जो है इसमें नमक है, उस पीछे जो है तेल के पैकेट्स हैं, इसमें रखें, ये देखिए। तो इस हिसाब से मैंने ये ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड देखिए इतने सारे आइटम्स थे जो सारे के सारे इसमें आ चुके हैं, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है अभी शेल्फ मेरा। और ये हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है और सेग्रीगेटेड आइटम्स है, कि ऐसे मतलब खोदना नहीं पड़ेगा कि कौन सा आइटम चाहिए करके। और जो भी आइटम्स जो अभी यूज़ होने वाले थे सारे मैंने जो है अब उनके उनके डब्बों में डाल दिया है, तो अभी तो ये फ़िलहाल भरा रहने वाला है, इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं होगा। सारे आइटम्स एक एक पैकेट्स जो है, एक एक दो दो पैकेट्स मैंने उनके डब्बों में डाल दिए हैं। एंड वो कैसे अरेंज किया वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये है वो डब्बे, सो सारी दालें, मूंगफली, पोहा, मुरमुरे एंड ये स्टील के डब्बे, राजमा, सब कुछ मैंने डाल चुका है। सो अब कैसन लग रहा है बताइए, सुबह से शाम कर दी मैंने इसको करने में। सो अगर अच्छा दिखना होता है तो एफर्ट्स तो लगेंगे। तो फाइनली अभी अब बताओ ज़रा ठीक लग रहा है, क्योंकि कम से कम आधा घंटा में अभी एसी चला के लेटी हूँ, पसीना पूरा सूख गया है, तब थोड़ा पाउडर लगा के थोड़ी कंघी मार के फिर आके बैठी हूँ। अब आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट्स जो बाकी वाले बचे हुए हैं, और क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी कर कर के काम, इसलिए जो है साथ में बिस्किट रखे हैं, ये जो इन लोगों ने पैकेट खोला था उधर से लेके उसको थोड़ा खा लिया, क्योंकि जब भी आप थोड़ा वीक फील करते हैं तब थोड़ा सा आप मीठा एक चम्मच खा लेंगे, अगर बिस्किट विस्किट नहीं है या कुछ तो जल्दी बूस्ट हो जाते हैं आप। मैंने क्या क्या लिया है वो दिखा देती हूँ मैं। एक तो हैंगर्स है ये इससे पहले मेरे पास बहुत सारे हैंगर्स थे जब हम पहले रेंट पे रहते थे कुछ ईयर्स पहले, तो वो बहुत ही अच्छे हैंगर्स थे एक्चुअली, आर्मी कैंटीन से ख़रीदे हुए थे,
पता नहीं वो शिफ्टिंग में कहाँ गायब हो गए, पूरा ऐसे ही बहुत सारे थे, कम से कम 20 होंगे, वो जो एल्यूमिनियम के नहीं, वो आयरन के होते हैं शायद, वो थे अच्छे वाले एकदम, वो दिखी नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत बीच में खरीदे थे, मैं वो खरीद ही लेते क्योंकि कम पड़ रहे करके। एक सेट मैंने ये लिया, इसमें 6 है, 3 येलो 3 रेड, एंड उसके अलावा 2 अलग अलग पिल्लो कवर्स लिए हैं, जो मैं जैसे बेड पे बीच में जो पिल्लो डालती हूँ ना आदित्य के लिए, उसके कवर सारे फट रहे हैं एंड सुई धागा भी नहीं था जैसे मैंने बोला सिलने के लिए, इसलिए मैंने सिला नहीं। तो एक ये लिया है, तो कोई भी रैंडम कलर चलता है सिंगर पिल्लो के लिए तो। एंड एक ये वाला लिया है, पीछे से इसका ऐसा है डिज़ाइन एंड आगे से ऐसा है डिज़ाइन, ये दोनों लिए। एंड जो मैं बेड के ऊपर छोटे पिल्लोस लेती हूँ उसके लिए भी मैंने कवर लिए हैं, क्योंकि एक ही कवर, एक तो उसके साथ जो मतलब जो सिला आया था वो तो रेड था, उसके अलावा मैंने फिर लिए थे जो कलरफुल है, और अभी ये वाले लिए हैं। तो 3 ये वाले लिए हैं, 2 ऐसे मरून एंड क्रीम कलर वाले लिए हैं, ये देखो, क्योंकि 5 पिल्लोस है ना, तो ऐसे करके लिए हैं ये वाले। तो बीच में ये वाला डिज़ाइन है इसमें, एंड इसमें ऐसा वाला है, सेम भी था लेकिन मैंने सोचा चलो डिफरेंट लेते हैं करके, ये मैंने 5 लिए हैं। एंड उसके अलावा किचन टॉवल्स जो होते हैं ना वो लिया है, एक ये लिया है और एक किचन में पिंक कलर का जो लटका हुआ था आपने देखा होगा वो, एंड उसके अलावा ये लिया है, ये रात को सोते टाइम या कार में भी आप अगर इसको लगा लेते हैं बहुत कंफर्टेबल रहता है एंड आराम से सो सकते हो आप, गर्दन दुखेगी नहीं, अभी सोने वाली मेरे को लगता है, थक गई हूँ मैं। अच्छा है, कोई कोई बड़े खराटे मारते हैं ना बुरी तरह, ट्रेन में अगर जाओ ट्रैवल करो रात के टाइम पे तो खूब खराटे सुनाई देंगे, और मेरे पापा भी जबरदस्त खराटे लेते हैं, तो मैं तो ऐसी एक्टिंग कर रही थी, खराटे वराटे मुझे नहीं आते। तो ये एक लिया है, एंड उसके अलावा ये 4 बास्केट्स ले लिए हैं, इसके साथ जो है कवर भी, मतलब कवर क्या कैप भी साथ में है। तो मैंने डिफरेंट 4 कलर्स लिए थे लेकिन एक का जो है वो कैप नहीं मिल रहा था, फिर मैंने 2 क्रीम एंड एक पर्पल और एक ऑरेंज ले लिया ऐसे, एंड ये ऐसे वाले बास्केट ऑलरेडी मैं अपने वार्डरोब में यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप वार्डरोब को ऐसे बास्केट्स में अरेंज करना सोचते हैं तो धीरे धीरे आप जो है बास्केट्स खरीदिए, क्योंकि एक ही बार सारा खरीद लेंगे तो आपको पहली बार तो समझ में नहीं आएगा कि किस में क्या रखना है। ग्रेजुअली जब आप अरेंज करते जाएंगे एंड आपको लगेगा भैया अभी अच्छा एक बास्केट की कमी है, 2 बास्केट कमी है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो एक तो ये भी है ना कि कपड़े जो है कभी कभी हम जब खरीदते लग जाते हैं बढ़ भी जाते हैं, तो ये एक्चुअली मैंने बच्चों के वार्डरोब को उसमें रखने के लिए, ऑलरेडी उधर बास्केट्स है लेकिन और कपड़े ज़्यादा हो गए, क्योंकि आदित्य के जो भी नए कपड़े होते हैं जैसे वो हाइट बढ़ रहा है, उसको जो भी बचपन के कपड़े थे जो छोटे हो रहे थे एक एक बार पहन के, वो सारे अभिषेक को आ रहे हैं अभी, और आदित्य के लिए नए ले रहे हैं तो अभिषेक के लिए और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ स्टोर कर रखे हैं मैंने और कुछ यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से जो कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए मैंने ये बास्केट्स ले ली। एंड जैसे मैंने बताया था डाइपर बहुत ये आ गया, ये कब से चश्मा लगा के घूम रहा है, खोल ही नहीं रहा है अगला हॉल लो। तो यही सारे आइटम्स जो मैंने परचेज किए थे, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू अरेंज ग्रोसरी आइटम्स, टाइम लगता है काफ़ी। इसके अलावा मैंने बाकी सारे शेल्फ भी ठीक करी सब कुछ, और इतना शूट नहीं किया क्योंकि बार बार कैमरा ये लोग खिसका दे रहे थे, मैं जैसे लगा रही थी इतने चक्कर मार रहे थे, आप समझ जाओ सुबह से शाम हो गए, तो सुबह से जब शाम हो गए इस ऑर्गेनाइजिंग में आपको थोड़ा बहुत भी कुछ तो हेल्प हुआ होगा ना, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं, अगर बास्केट्स नहीं करना चाहते हैं अमेजोन से या कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई कुछ तो ऑर्डर करता ही है, तो डब्बे आपको खोखे आ जाते हैं, उन खोखों को आप जो है कवर कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो टाइमिंग आप जो जैसा है वैसे रख लेंगे, तब अगर आप उसमें ऑर्गेनाइजिंग अपनी कंटिन्यू कर पाते हैं तो आप जो है फ्यूचर में भी उसको कवर कर सकते हैं, या तो फ्यूचर में आप बास्केट्स भी रेडीमेड ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, एंड मैंने ऐसी कोई चीज़ें खरीदी नहीं बिल्कुल कि जो फालतू की हो, मैंने ऐसी ही खरीद ली, ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा है। तो सारे यूज़फुल आइटम है, एंड ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ यूज़ होती है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने वेस्ट खर्चा किया, सब काम आने वाला जो खर्चा किया है। एंड आप लोग कैसे करते हैं अपना ग्रॉसरी शॉपिंग या जो भी रेगुलर शॉपिंग होती है कैसे करते हैं इन सामानों के, घर के जो नीडफुल आइटम्स होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग को या तो और बेटर कैसे बना सकती हूँ, या ग्रॉसरी में क्या चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ली है या जो नहीं लेनी चाहिए थे, उन सब के बारे में जो भी आपके सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा
ताकि कोई ना कोई इस वीडियो को देख के थोड़ा सीखे एंड आज ही ऑर्गेनाइजिंग शुरू करे एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।